41 श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की घोर लापरवाही और सरकार की अक्रमणता इससे जाहिर होती है। और निश्चित रूप से जो एक काली सूची में जो कंपनी थी उसको आनन फानन में इतने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई, उनको एक काम दे दिया गया। और जबकि एडिट टनल का निर्माण होना चाहिए था, एडिट टनल का निर्माण हुआ, एस्केप टनल का निर्माण नहीं किया गया। आज वो छटपटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, कैसा वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, खाने की व्यवस्था, एक हफ्ते तक तो खाना ही नहीं गया वहाँ पर। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक नली के, एक पाइप के, जो छोटे से पाइप के जरिए परमल और चना भेजा जा रहा था, और सरकार कितनी बड़ी बातें कहे, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सरकार पूरी तरह फेलियर रही है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह फेलियर रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति फेलियर रही है, और निश्चित रूप से सब भ्रष्टाचार हुआ है। अपने चहितों को काम देने के लिए सारे मानकों की अनदेखी कर दी गई, सारे जो नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। तो उसकी वजह आज यहाँ पर आज 16-15 दिन हो चुके हैं और आज भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।